Hello everyone, welcome back to our channel A Mile With Us. Thank you for being on all our journeys and today we are going to get another journey. इस बार ही गढ़वाल एरिया घूमने का थोड़ा सा मन है, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं. अभी तक तो लिस्ट में है चोपता तुंगनाथ है, ओली है और बीच में कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो वहाँ भी रुक सकते हैं. पहला स्टॉप है ऋषिकेश. 1:30 हो चुके हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, देखते हैं आज का सफ़र कैसा है. तो दिल्ली से ऋषिकेश का जो ये सफ़र है ये तकरीबन 270 किलोमीटर का है जो कि तकरीबन 5 घंटे में बाय रोड कवर किया जाता है. लेकिन क्योंकि आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो थोड़ा सा रश एक्सपेक्टेड है हाईवे पे. देखते हैं हमें कितना समय लगता है ऋषिकेश तक पहुंचने में. हालांकि अपनी प्राइवेट कार बहुत ही एक कन्वीनियंट तरीका है दिल्ली से ऋषिकेश जाने का, लेकिन दोनों सिटीज़ के बीच में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है. दिल्ली से पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके की बसेस काफ़ी रेगुलरली चलती हैं ऋषिकेश के लिए और वहाँ से भी दिल्ली की जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है. दोनों शहरों के बीच में ट्रेन्स भी अवेलेबल हैं और ऋषिकेश के पास जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि ऋषिकेश से तकरीबन 20 किलोमीटर पड़ता है. अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, जिसने दिल्ली से ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून इन जगहों का जो सफ़र है वो काफ़ी कन्वीनियंट बना दिया है. ये एक कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है जो कि तकरीबन 74 किलोमीटर लंबा है. दिल्ली के सराय काले खां या फिर निज़ामुद्दीन का जो एरिया है वहाँ से शुरू होके ये मेरठ तक जाता है. सबसे अच्छी बात है कि ये एक्सप्रेसवे नया है, बहुत ही अच्छा है और दिल्ली से ऋषिकेश का तकरीबन 30% जो हिस्सा है वो इसी एक्सप्रेसवे पे कवर हो जाता है. मेरठ एक्सप्रेसवे पे ये इकलौता एक टोल आता है, लेकिन अभी हमने पीछे देखा था कि एक्सप्रेसवे पे अभी भी एक दो जगह पे थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उसी के चलते मुझे लगता है कि ये टोल अभी चालू नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी ये टोल भी चालू हो जाना चाहिए. तो मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे 334 पे, जो कि मेरठ आने के बाद इस हाईवे पे ही चल के हमें आगे जाना पड़ता है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए. सो इवन दो द कंडीशन ऑफ दिस हाईवे इज़ नॉट एज गुड एज मेरठ एक्सप्रेसवे, लेकिन बुरी भी नहीं है. जैसे बाकी हाईवे होते हैं हमारे देश में बस वैसे ही है, कंट्रोल्ड एक्सेस तो ये नहीं है. तो दिल्ली से चल के अब हम आ गए हैं मेरठ. मेरठ एक्सप्रेसवे जस्ट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आता है जैन शिकंजी. अब ये नहीं पता है असली वाला है कि नहीं है, लेकिन जो भी आता है उस पर हम रुके हैं और द टाइम राइट नाउ इज़ 2:45. 1:30 बजे दिल्ली से चले थे तो काफ़ी टाइम से पहुँच गए हैं एंड लेट्स ट्राई द शिकंजी हेयर. पहले हम सोचे थे कि आगे रुकेंगे चाय वगैरह के लिए, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ आउटसाइड, तो टाइम फॉर सम शिकंजी इंस्टेड ऑफ चाय टुडे. तो अभी हम रुके थे क्विक ब्रेक के लिए जैन शिकंजी पे. हमने शिकंजी पी लिए, थोड़ा सा मसाला मुझे ज़्यादा लगा बच्चों के लिए, मतलब थोड़ा काली मिर्च थी उसके अंदर, पर इट वॉज़ अ रिफ्रेशिंग ब्रेक. और रिफ्रेशिंग ब्रेक से याद आया हमारी ये वाली वीडियो भी थोड़ी रिफ्रेशिंग है बिकॉज देयर न्यू मेम्बर्स इन द फैमिली आर ट्रैवलिंग विद अस. सो वी हैव मधु एंड अमोक हु विल बी जॉइनिंग अस ऑन दिस ट्रिप एंड ऑफ कोर्स आवर लवली डॉटर्स एंड गौरव. तो ये मेरठ और हरिद्वार के बीच में जो हाईवे है नेशनल हाईवे 334, इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत है और वो ये है कि इस हाईवे पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं. तो अगर इंडियन खाना चाहते हैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारे ढाबे हैं, हर बजट रेंज में ढाबे और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं. और अगर कॉन्टिनेंटल खाना चाहते हैं तो भी काफ़ी सारे बीच में ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो यू नेम इट एंड यू हैव इट. आपका जब भी मन करे, कभी भी थकावट महसूस हो, कभी भी चाय पीने का मन करे, सो विद इन 10 मिनट्स यू कैन फाइंड अ गुड प्लेस टू सिट, रिलैक्स एंड ईट. हम लोग इस हाईवे पर काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं और इस हाईवे पर जो रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं उनमें से ज़्यादातर को हम लोगों ने पहले ट्राई किया हुआ है, तो इस बार सोच रहे हैं कि कुछ डिफरेंट किया जाए. ऋषिकेश पहुंचने की हमें कोई भी जल्दी नहीं है, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रुड़की शहर को भी एक्सप्लोर किया जाए. देखते हैं वहाँ पे शहर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं खाने पीने के लिए. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन वी टुक हेल्प ऑफ गूगल और हमने चेक किया कि कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं रुड़की के अंदर
जिनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी अवेलेबल है। तो एक रेस्टोरेंट हमें मिला है, बस छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ जाने के लिए हम लोगों को ये हाईवे छोड़ के शहर के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि समय की आज कोई कमी नहीं है, ऋषिकेश तक ही जाना है, तो लेट्स एक्सप्लोर दैट। अंदर जाते हैं रुड़की में एंड लेट्स सी हाउ दैट प्लेस इज। तो इस रूट में काफ़ी कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। पहले हम लोग जब हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जाते थे तो रुड़की शहर के अंदर से ही होके जाना पड़ता था, बट नाउ वी कैन सी दैट देयर इज अ बाईपास टू द सिटी। एनीवे, जब हमने सोचा ही है कि रुड़की में अंदर जाना है, तो वी आर गोइंग टू लीव दिस बाईपास नाउ एंड एंटर द सिटी। चलते चलते भूख लगाई, शाम के तकरीबन 5:15 बज रहे हैं एंड वी आर एट रस्टिक हाउस इन रुड़की राइट नाउ। आज सिर्फ ऋषिकेश तक हम लोगों को जाना है और पूरा दिन पड़ा हुआ है, 7-8-9 बजे तक भी पहुँच जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोचा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे खाया पिया जाए। रुड़की में हम आए हैं अंदर, मेन हाईवे से थोड़ा सा हट के अंदर आना पड़ा टू रीच दिस कैफे। सो लेट्स सी हाउ द फूड इज। सो वी आर इनसाइड रस्टिक हाउस इन रुड़की राइट नाउ, हरिद्वार से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले, और ये रेस्टोरेंट भी है और बार भी है। दिस इज़ हाउ द लुक एंड फील ऑफ द रेस्टोरेंट इज फ्रॉम इनसाइड। तो ये रस्टिक हाउस का छत पे जाएं तो एक काफ़ी सुंदर सा रूफटॉप एरिया भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं बैठा और हम लोग भी फिलहाल यहाँ पे नहीं बैठ सकते बिकॉज इट्स टू हॉट आउटसाइड। 40 डिग्री सेल्सियस बहुत गर्मी है बाहर। So we are here at the Rustic Cafe. अभी अभी हम लोग भी अपना स्नैक्स खाए हैं एंड must say the interior of this cafe is really nice, up to the mark जैसे हमारे डेली में होता है, तो एवरेज आई गिव अ 10/10 एंड द फूड वॉज ऑल्सो वेरी गुड, आई मीन 9/10 आई वुड से। थोड़ा सा स्पाइसी था बच्चों के लिए पिज्ज़ा, अदरवाइज इट वॉज वेरी गुड, बट दी शेक्स एंड दी कॉफीज वर एक्सेलेंट एंड you can definitely give it a try to come in towards Rukhi and the ambience is on for it. तो यहाँ से हमें दिख रहा है मेन हर की पौड़ी। अभी शाम के 7:15 हो रहे हैं और हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। लाइटें जल गई है मंदिरों की, मुझे लगता है काफ़ी भीड़ हो गई है, शायद लोग आरती देखने के लिए अभी से इकट्ठा हो गए हैं। बहुत भीड़ है, सैटरडे का दिन है और देखो सामने लाइटिंग वाइटिंग कितनी भीड़ है, देखो ऐसे घाट। हाँ, वो सारे लोग मेरे को लग रहा है उसी के लिए वेट कर रहे हैं। देखो पीछे लाइटें वगैरह भी अच्छे से आ रही हैं, काफ़ी अच्छे से इंतजाम किया हुआ है। मुझे लगता है ये आरती के लिए ही सारे लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं उसकी। काफ़ी अच्छी आरती होती है, अगर कभी टाइम हो तो रुक सकते हैं और देख सकते हैं। पर आज वीकेंड होने के कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, काफ़ी भीड़ है। सो आफ्टर क्रॉसिंग हरिद्वार वी हैव एंटर्ड द तराई रीजन ऑफ उत्तराखंड। यहाँ से थोड़े थोड़े पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए हैं। तो हरिद्वार जो है वो एक होली सिटी है जिसकी के 2.5 लाख की पॉपुलेशन है और ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है उत्तराखंड की देहरादून के बाद। अभी अभी हमने जो हर की पौड़ी को क्रॉस किया वो 1st century BCE से है। सो दिस प्लेस इज नॉट ओनली होली बट इट्स ऑल्सो हिस्टोरिकल एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स ऋषिकेश। तो अपनी पहाड़ों की जर्नी कम्प्लीट करने के बाद गंगा नदी पहली बार प्लेन्स में ऋषिकेश में ही आती है और इस शहर को गेटवे टू गढ़वाल हिमालयस भी कहा जाता है। विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1 लाख पीपल,
Rishikesh is the yoga capital of the world, and apart from this, this is also a spiritual place where you can find a lot of temples. और उसके अलावा ऋषिकेश को अब एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। तो ऋषिकेश पहुंचने से जस्ट पहले यहाँ पे बहुत ही मैसिव जैम लगा हुआ है और इस जैम में हम फंसे हुए हैं पिछले एक घंटे से। इनफैक्ट रात के 10 बजने वाले हैं और हमारा जो होटल है वो दिखा रहा है यहाँ से 1.6 किलोमीटर और अभी भी 1.6 किलोमीटर में ये बता रहा है कि कवर करने में लगेंगे 25 मिनट। तो काफ़ी ज़्यादा जैम है। मेरे ख्याल से हर सैटरडे संडे यही हाल होता है ऋषिकेश के अंदर। लास्ट टाइम हम आए थे अक्टूबर के मंथ में, तब भी ऐसे ही जैम लगा हुआ था, बट इट्स टेरिबल। तो रात के 10:30 बजे अब हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश। वीकेंड के चलते ऋषिकेश से जस्ट पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिला और जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा समय हमें लग गया। एनीवेज, टाइम टू नाउ रिलैक्स एंड गेट सम रेस्ट। अगले व्लॉग में हम लोग कवर करेंगे ऋषिकेश से चौपता तक का रास्ता और श्रीनगर का फेमस धारी देवी मंदिर। So if you like our content, then please stay connected with us and do consider subscribing to our channel.